अस्सलाम वालेकुम। चैनल इंडियन दस्तरखान में आज हम बनाएंगे होममेड खोया। और कितना इजी इसको बनाना, बिल्कुल हाइजीनिक होममेड खोया है ये। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। आप इससे कुछ भी मीठा बना सकते हैं, बर्फ़ी वगैरह, या फिर गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी, रबड़ी, कुछ भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। कितना आसान है इसको बनाना, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे तैयार करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये अभी कच्चा दूध है। इसको हम सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे और इसको हम पका लेंगे। एक उबाल तक आने तक इसको हम पकाएंगे। इसको हम फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हम उबाल देंगे। ये देखिए, उबाल आ गई है दूध में। अब दूध को हमें कुछ कुछ देरी पे इसी तरह चलाते हुए हमें इसको तकरीबन आधे घंटे पका लेना है, जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती, आधी से भी कम, और दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। हम इसको कुछ कुछ देरी पे चलाएंगे, 2 से 3 मिनट पे। हर 2 से 3 मिनट पे हम इस पे चमचा से इसको चला लेंगे, स्पैचुला से। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए। दूध को मैंने काफ़ी देरी, आधे घंटे से भी ज़्यादा मैंने इसको पकाया है। ये कितना थिक हो गया है, इसकी क्वांटिटी भी आधे से भी कम हो गई है। हमें इसी तरह से साइडों से भी लगाते हुए इसको हमें चलाना है। साइडों पे हमें मलाई नहीं जमानी है। अब हम इसमें होममेड मलाई ऐड करेंगे। ये फ्रेश मलाई है, होममेड, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ मिल्क से भी हमारा खोया बनकर तैयार होगा। इसको हमें लगातार चलाना है, और फ्लेम मैंने यहाँ अभी मीडियम कर रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको इसी तरह चलाते हुए, ये देखिए, इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाया है इसी तरह चलाते हुए, और ये कितना थिक हो गया है। अभी इसमें थोड़ी और थिकनेस आनी बाकी है, खोया हमारा बिल्कुल जम सा जाएगा। बस 5 से 7 मिनट और इसको हम पकाएंगे इसी तरह से लगातार चलाते हुए। हमें इसको छोड़ना ज़रा भी नहीं है। कितना दानेदार हमारा खोया बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। बस थोड़ी थिकनेस आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। पहले हमने इसको और थोड़ा पका लेना है इसी तरह से चलाते हुए। साइडों से भी लेना है। साइडों पे हमें मलाई नहीं जमा देनी है। साइडों से सारा दूध लेंगे ताकि मलाई नहीं जमे। ये देखिए, मैंने इसको 7 मिनट और पकाया है। बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे इसी में। ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने एक बर्तन में सर्व कर लिया है। आप इसको 2 से 3 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जो दिल चाहे आप इसका बना सकते हैं। किसी भी तरह का भी मीठा आप इससे तैयार कर सकते हैं। ज़रूर से बनाइए। ये होममेड खोया ओरिजिनल होममेड खोया है, ज़रा भी हमने इसमें मिलावट नहीं की है। प्योर दूध से हमने इसको तैयार किया है, और बाज़ार से भी ये अच्छा खोया घर में ही बनकर तैयार होता है। आप इससे कोई सा भी मीठा तैयार कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।